नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। बताते चले आपको, खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। हमेशा अपने विवादित बयानों को देते हुए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी पुलिस को धमकी भरे लहजे में चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में ओवैसी ने कहा, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तब कौन आएगा। वहीं इसके वायरल होने के बाद बीजेपी ने ओवैसी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, मठ मंदिर कौन जाएगा यह सोचने में समय व्यर्थ न करें, यदि कल को कागज मांग ली तो आप कहां जाएंगे इसकी चिंता करिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार ने भी ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने उनके वीडियो को शेयर करते हुए कहा, गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती ओवैसी साहब, ताकत तो प्रभु राम ने दिखा दी है अपनी, भोलेनाथ ने दिखा दी है अपनी, कोई भी गलती की तो गिद्धों का भरपूर इलाज होगा इस बार। AIMIM नेता एक स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में दिए गए भाषण से ध्यान भटकाने के लिए कानपुर में दिए गए मेरे भाषण का एक मिनट का क्लिप शेयर किया गया है। ओवैसी ने कहा कि मैंने पूरे भाषण के दौरान न ही हिंसा के लिए उकसाया और न ही ये धमकी दी है, मैंने पुलिस अत्याचारों के बारे में बात की है। ओवैसी ने कहा, मेरी वीडियो को कुछ पार्ट ही दिखाया गया, इसके साथ ही उन्होंने दो भागों में वीडियो भी शेयर किया है। ओवैसी ने कहा कि मेरे भाषण का संदर्भ बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने उन पुलिस वालों की बात कर रहा था जो 80 साल के बुजुर्गों को प्रताड़ित करते हैं, मैं उन पुलिस वालों की बात कर रहा था जो चुपचाप देखते हैं क्योंकि भीड़ एक रिक्शा चालक को उसकी बेटी के सामने पीटती है और बच्चे को गोद में लिए हुए व्यक्ति पर लाठी बरसाया जाता है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए कनेक्ट 9 न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।